हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आप सभी का हमारा इस गणित की क्लास में स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो है क्लास 5th के लिए, चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है संख्याएं। संख्याओं में आज हम अंकों में, शब्दों में, स्थानीयमान, विस्तारित रूप, सबसे छोटी बड़ी संख्याएं, ये सब पढ़ेंगे 5वीं कक्षा के सिलेबस के अनुसार। हालांकि ये टॉपिक 4थी कक्षा में भी है, 6ठी कक्षा में भी है, पर हम आज 5वीं कक्षा के सिलेबस के अनुसार इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्थानीय मान। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि किसी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर है। स्थान मतलब तीसरे, जैसे ये 9 जो है तीसरे स्थान पर है, वो तो है, इसका संख्या पद्धति के अनुसार कौन सा स्थान है इसमें, वो कैसे पता चलेंगे, उसके लिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए। मैंने आगे भी लिख रखा है, मैं यहाँ भी लिख के बता देता हूँ। ये क्रम है, इकाई होता है, सीधे हाथ की तरफ से शुरू करते हैं, फिर आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, आगे मैंने लिख रखा है डिटेल में, यहाँ मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर आता है 10,000, ठीक, दे है मतलब 10,000, फिर आता है लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, हम फिलहाल करोड़ तक की संख्याओं को ही पढ़ेंगे। तो ये जो क्रम है सीधे हाथ की तरफ से, ये आपको याद रखना है। इसी क्रम के अनुसार आपको किसी संख्या में अंकों का स्थान बताना है, ठीक है बच्चों? तो चीज चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसका स्थानीय मान बताना है तो सबसे पहले इनके ऊपर हम इकाई दाई लिख लेते हैं, इकाई दाई सेकंड, चाहो तो आप लिख लो, चाहो तो नहीं, वैसे स्थानीय मान के लिए जरूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो जो इकाई का अंक होता है उसमें कोई जीरो नहीं लगती, ठीक। जो ढाई का अंक होता है उसमें एक जीरो लगती है। और अगर इसे गणित के में हल करने के लिए अगर याद रखें तो उसके आगे जितने अंक होते हैं उतनी हम जीरो लगा देते हैं। तो सैकड़े का अंक होता है उसमें 2 जीरो लगती हैं, इसका मतलब यह है कि उसके आगे जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। इसके आगे 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर इनके स्थानीय मान निकल गए, ये 900 है, ये 70 है, ये 3 है, ऐसे इसमें स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई के अंक में एक भी जीरो नहीं लगती, ढाई के अंक में एक जीरो लगती है क्योंकि उसके आगे एक अंक है, सैकड़े के अंक में 2 अंक है इसके आगे तो इसमें 2 जीरो लगेगी, ऐसे ही हजार वाले अंक में इसके आगे 3 अंक है तो कितनी जीरो, 3 जीरो, और इस तरह से लाख वाले अंक में, 10,000 वाले अंक में 4 जीरो, ठीक। ये स्थानीय मान है। निकालना तो बहुत आसान है पर आपको समझ पता होनी चाहिए कि स्थानीय मान होता क्या है। निकालना तो बहुत आसान है, इसमें क्या, इकाई का अंक तो 6 लिख दीजिए और ढाई के अंक में 1 जीरो, और मतलब इसके आगे जितने भी जीरो अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। जैसे 5 के आगे 1 अंक है 1 जीरो, 3 के आगे 2 अंक है 2 जीरो, और 7 के आगे 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो, और 8 के आगे 1, 2, 3, 4 अंक है तो 4 जीरो, मतलब जिस संख्या के आगे जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगा देते हैं। पर समझ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ढाई में 1 जीरो होती है, सैकड़े में 2 जीरो, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 जीरो, इस तरह से। अगला सवाल है, 4 है, इसका स्थानीय मान 4 होगा। अब ये 6 है, इसके आगे कितने अंक हैं, एक, 1 जीरो लगा देंगे। 7 के आगे कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। 8 के आगे कितने अंक हैं, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है, 2 हमारा इकाई है ऐसे ही रहेगा, 3 के आगे हमारा 1 अंक है तो 1 जीरो, 9 के आगे हमारे 2 अंक है तो 2 जीरो, 6 के आगे हमारे 3 अंक है तो 3 जीरो, 7 के आगे हमारे 4 अंक हैं तो 4 जीरो, और 9 के आगे हमारे 5 अंक हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरो, ठीक है। अब याद, ये तो स्थानीय मान निकल गया, बहुत आसान है, जितने अंक उतनी जीरो, पर आपको ध्यान ये रखना है कि ढाई में 1 जीरो होती है, सैकड़े में 2, हजार में 3, 10,000 में 4 और लाख में 5, यानी कि 9 हमारे लाखवें स्थान पर है, 7 हमारे 10,000वें स्थान पर है, 6 हमारे 1,000वें स्थान पर है, 9 सैकड़े के स्थान पर है, 3 दहाई के और 2 इकाई के।
असली स्थानिमान की समझ ये है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल और है, इसे आप करके दिखाइएगा या करके देखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखा हुआ है। पांचवा सवाल जो है इसे आप करके देखिए। अब अगला सवाल पढ़ते हैं, स्थानिमान पर ही आधारित है। संख्या 4, 2, 6, 7, 5 में 2 का स्थानिमान व अंकित मान। यहाँ पर एक नया शब्द और आया है, अंकित मान। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें केवल 2 का स्थानिमान बताना है, सारे अंकों का नहीं बताना जो हम पीछे पढ़ रहे थे। हमें केवल 2 का स्थानिमान बताना है। हालांकि स्थानिमान आप चौथी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो 2 का स्थानिमान निकालने के लिए 2 लिखेंगे और 1, 2, 3 हम लगा देंगे 0। ठीक है, 2 हमारे अर्थात 1000वें स्थान पर है, क्योंकि 1000 में 3 0 होती हैं। अब किसी भी अंक का जो अंकित मान होता है वो उस अंक के ही बराबर होता है। तो अंकित मान जो आएगा इस सवाल में, किसका स्थानीयमान निकालना था हमें, 2 का। तो अंकित मान 2 का होगा 2। ठीक है, अंकित मान किसी संख्या का कभी नहीं बदलता। जैसे 5 का अंकित मान इसमें पूछे तो 5 ही होगा, 7 का पूछे तो अंकित मान 7, 6 का 6, 2 का 2, 4 का 4। अंकित मान सवाल में कभी नहीं बदलता है। अगला सवाल है, 4, 9, 7, 6, 2 में 4 का स्थानीयमान व अंकित मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 4 का स्थानीयमान और अंकित मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, केवल 4 का ही हम निकालेंगे। तो 4 के आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, तो हम 4 0 इसमें लगा देंगे। ये इसका स्थानीयमान हो गया, और अंकित मान किसी भी अंक का उसी के बराबर होता है, तो अंकित मान तो इसका हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 का निकालना है तो 4। तो ये स्थानीयमान का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा, मैंने इसमें काफ़ी बारीकी से आपको सब कुछ समझाया है। और अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे वाला हमारा टॉपिक है शब्दों में लिखिए। ये आप चौथी में ही पढ़े हैं, पर उसमें जो है आपने केवल 10,000 या लाख तक की संख्याएं पढ़ी हैं। यहाँ हम आपको करोड़, 10 करोड़ तक की संख्याओं के भी लिखना सिखाएंगे। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो क्रम लिखा था, वो क्रम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पूरा खोल के दिखाया हुआ है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। इस क्रम को आपको इन्हीं संख्याओं के ऊपर, जिस संख्या को शब्दों में लिखना है उसके ऊपर इसी क्रम से हमें ये लिख देने हैं शॉर्ट में। कैसे, इस संख्या को हमें लिख के दिखाना है शब्दों में, तो हम सबसे पहले इसके ऊपर ये लिख देंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 को शॉर्ट में ये लिखेंगे, लाख को ले लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इसके बाद आपको ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं एक साथ पढ़ी जाती है और कौन सी अकेली। देखिए, इकाई और ढाई हमेशा एक घर की मानी जाती है, ये एक साथ पढ़ी जाएंगी। सैकड़ा हमेशा अकेला पढ़ा जाता है। हजार, हजार जिन दो संख्याओं के नीचे लग रहा है वो एक साथ पढ़ी जाती है, क्योंकि दोनों के नीचे, दोनों के आगे हजार है। लाख अकेला बचा तो अकेला पढ़ा जाएगा। अगर इसके साथ 10 लाख होता तो लाख लाख वाली एक साथ पढ़ी जाती है, करोड़ करोड़ वाली एक साथ पढ़ी जाती है, और इकाई दाई वाली एक साथ पढ़ी जाती है। बहुत आसान है समझना। अब जिस भी अंक के ऊपर जो भी उसका वैल्यू है, यानी कि जो भी उसकी मान है, उसे मिलाकर इसे शब्दों में लिख दो। जैसे 4 का मान क्या है, लाख है, तो लिख देंगे 4 लाख। हजार और ये 10,000 वाले एक साथ ही पढ़े जाएंगे, तो ये दोनों मिला के कितने, 37। क्या है ये, हजार, तो 37,000। ठीक, सैकड़े के नीचे हमारा 6 है, इसका मतलब 600। इकाई दहाई वाले एक साथ, जाने की 85। ठीक, समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, इस पर भी इसी क्रम से इकाई दहाई लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इकाई दहाई वाला एक साथ पढ़ा जाता है, सैकड़े वाला हमेशा अकेले पढ़ा जाता है, हजार 10,000 वाला एक साथ पढ़ा जाता है,
लाख 10 लाख वाले एक साथ, क्योंकि दोनों के आगे लाख लाख आवाज चुका है, ऊपर वाले सवाल में केवल लाख था तो वो अकेले था, अगर 10 लाख भी आ गया तो दोनों एक साथ, यहाँ करोड़ अकेला पढ़ा जाएगा, क्योंकि करोड़ हमारा अकेला है। अब उसी के मान के हिसाब से पढ़ देंगे, करोड़ के नीचे 9 है तो ये आएगा 9 करोड़, लाख 10 लाख के नीचे नीचे 56 है तो 56 लाख, हजार 10 हजार के नीचे फिर 37 है तो 37 हजार, बस जिसके नीचे जो मान है उसे मिला के पढ़ लिख देना है। अब सैकड़ा 0 है तो उसे छोड़ देंगे, क्योंकि 0 को तो कुछ होता मान नहीं है, मान इकाई दहाई वाले एक साथ तो 12। ठीक, अगला सवाल आप करके देखिएगा खुद, उससे अगला सवाल मैं आपके लिए बता रहा हूँ फिर दोबारा से, ये बड़ी संख्या है काफ़ी इसलिए बता रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, तो हर एक के ऊपर लिखना ही है, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है जी, फिर वही आपको जो मैंने बताया है वही करना है, इकाई दहाई वाले एक साथ, सैकड़ा अकेला, हजार 10 हजार वाले एक साथ, लाख 10 लाख वाले एक साथ, और यहाँ भी करोड़ 10 करोड़ दोनों आ चुके हैं, तो जिनके आगे करोड़ है वो भी एक साथ, फटाफट से इसे लिख देते हैं। 15 हमारा करोड़ है, क्योंकि ये करोड़ के नीचे लिखा हुआ है, लाख के नीचे 96 है, यानी कि ये हमारा लाख है, 96 लाख, हजार के नीचे है हमारा 32, और इकाई दहाई वाले एक साथ ये हमारा 49। ठीक, तो देखिए बच्चों शब्दों में लिखना कितना आसान है, कितने आसानी से आप इन्हें शब्दों में लिख सकते हैं, बस आपको ये संख्याओं का क्रम याद रखना है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला टॉपिक है ठीक इसका उल्टा, अंकों में लिखना। इस बार हमें शब्दों में संख्याएं दे रखी हैं, हमें वो अंकों में लिख के दिखानी है, ये भी बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इन सवालों को, शब्दों में लिख रहा है हमारा 68573। ठीक है, अब हमें इसे लिख के दिखाना है अंकों में, तो हम क्या करेंगे, हम केवल इन दो अक्षरों पर ध्यान देंगे, ये जो दो शब्द लिखे हैं 68 और 1000, इस शब्द से हमें ये पता चलेगा हमें कहाँ तक के मान लिखने हैं, इन दोनों शब्दों से पता चलेगा, सबसे पहले शब्द से पता चलेगा कि हमें 1000 तक तो लिखने ही है, तो हम 1000 तक लिख देंगे, वही जो पहले मैंने लिखे थे, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। अब 1000 में भी दो होते हैं, एक होता है 1000, एक होता है 10 हजार, वो इस शब्द से पता चलेगी, अगर ये सब संख्या जो है 10 से बड़ी है तो हम 10 हजार तक लिखेंगे, और 10 से छोटी है तो 1000 तक, अब यहाँ 68 है 10 से बड़ी है तो हम 10 हजार भी इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब इसी क्रम के अनुसार इसके नीचे हम संख्याओं को लिख देंगे, जैसे 68 क्या है 1000 है, तो 1000 और 10 हजार दोनों के नीचे मिला के हम लिख देंगे 68। ठीक है, इसी तरह से 500 सैकड़े के नीचे लिख देंगे हम 5, और लास्ट में हमारा इकाई दहाई बचता है वो हमारा 73, ये संख्या हमेशा इकाई दहाई के नीचे ही लिखी जाएगी। ठीक है, अगर दे रखी है तो, अगर 500 का ही सवाल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगी। ठीक, अगला सवाल है 35 करोड़ 94 लाख 59 हजार 901, तो ये यहाँ पर करोड़ दे रखा है तो करोड़ तक बिंदी लगाएंगे, और ये हमारा 10 से बड़ा है, मैंने बताया था ना इन दोनों अक्षरों से पता चलेगी करोड़ तक, और ये 10 से बड़ा है इसका मतलब 10 करोड़ तक, क्योंकि ये 35 है, अगर यह 3 करोड़ होता तो केवल करोड़ तक ही बिंदी हम लगाते, तो लिख देंगे फटाफट, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ तक इसलिए क्योंकि 10 से बड़ी है, तो यहाँ तो आ जाएगा 35, क्योंकि 35 करोड़ है, 94 लाख है तो लाख और 10 लाख दोनों के नीचे मिला के आ जाएगा 94, 59 हजार है, हजार 10 हजार के नीचे 59, 900 सैकड़े के नीचे 9, और लास्ट में एक यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगी 0। ठीक
ठीक है, ये इसका हो गया। अब मैं इस वाले सवाल का भी ऊपर वाले इसमें लिख के दिखा रहा हूँ। इसमें लिख रहा है 3,75,27,434। तो करोड़ है और इसके साथ 3 है, इसका मतलब केवल करोड़ तक की बिंदी लगेंगे, यहाँ तक की। तो इस सवाल के लिए आएगा 3 करोड़, तो केवल यहाँ तक की ही लगाएंगे हम इसमें करोड़ तक, और इसके नीचे लिख देंगे 3। इसमें 10 करोड़ की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ वाली जो संख्या है वो 10 से छोटी है। आगे है 75 लाख, तो लाख 10 लाख के नीचे 75, 27,000, 10,000 के नीचे 27, 434, 434। ठीक है, तो मैंने एक ही सवाल में दोनों को लिख के दिखा दिया है। अगला सवाल है 37,15,107। तो सवाल देख के समझ में आ गया होगा आपको, लाख तक बिंदी लगेंगी और वो भी 10 लाख तक, क्योंकि ये संख्या 10 से बड़ी है। फटाफट से लगा लेते हैं, ये इकाई हो गया, ढाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, और ये 10 लाख हो गया। तो लाख और 10 लाख के नीचे आ जाएगा 37, हजार 10,000 के नीचे आ जाएगा 15, और सैकड़े के नीचे 1 और 7 आ गया इकाई में, और ये 0 क्योंकि इसमें ढाई है नहीं। तो ये हमने आपको सिखा दिया है अंकों में लिखना, ये भी बेहद आसान है। आप इन सवालों को भी जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, अब हम अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, जो है विस्तारित रूप में लिखिए। अब हमें संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप का मतलब होता है संख्याओं को खोल कर लिखना है, विस्तार मतलब किसी भी संख्या को बड़ा कर लिखना है। ठीक है, तो हम इसे लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या दे रखी है सबसे पहला अक्षर लिखेंगे 3 है। इसके आगे जिस तरह से स्थानीय मान निकाले थे ना, कुछ कुछ उसी तरह से है। कितने इसके आगे अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसके आगे 5 0 लगा देंगे, प्लस 9 उतारेंगे। इसके आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, हम 4 0 लगा देंगे। बस यहाँ प्लस का निशान साथ के साथ लगाना है, और वहाँ पर लाइन खींच खींच के अंकों को लिखते थे। 5 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे, 3 0, प्लस 4 के आगे कितनी लगाएंगे, 2 0, 3 के आगे 1 0, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 2। ठीक, कितना आसान है विस्तारित रूप में लिखना। इसे विस्तारित रूप में लिखना है तो सबसे पहला अंक है 8, इसके आगे कितनी जीरो लगाएंगे, 6 0, प्लस 7। अगला सवाल है 7, 9, 3, 1, 9, 2, 5। इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। सबसे पहला अंक है 7, इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस 9 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 के आगे 1, 2, 3, 4, एक एक जीरो कम होती जाती है, 1 के आगे 1, 2, 3, 9 के आगे 2 0, 2 के आगे 1, और लास्ट में इकाई 5। अब इन जीरो को लगाने का मतलब विस्तारित रूप नहीं है, आपको एक्चुअली में इस विस्तारित रूप की समझ होनी चाहिए कि ये है क्या। तो ये विस्तारित रूप हमें ये बताता है कि अगर 6 0 आने के बाद कौन सी संख्या पर आता है, वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख में 6 0 होती है। 5 0 आ रही है मतलब 7 ये लाख में स्थान पर है। 4 0 आ रही है मतलब 6 हमारा 10,000 में स्थान पर है। ये आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि सैकड़े की 2 होती हैं, हजार में 3 0 होती हैं, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8। तो आपको जीरोस के हिसाब से ही उसके मान को पहचान लेना है कि 4 0 हैं, अच्छा ये 10,000 का है, 3 0 हैं, ये 1,000 का है, 5 0 हैं, ये लाख का है। ठीक है, आपको ये समझ होनी चाहिए। संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब इसका ठीक उल्टा सवाल है। अब ये दे रखे हैं, अब हमें ये बना के लिखना है। इसके लिए आपको जोड़ करना आना चाहिए। संक्षिप्त रूप में लिखना है कि अब हमें इसे छोटा करना है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। तो जो हमें संख्या दे रखी होती है हमें केवल ये जोड़ के दिखानी है। तो हम इस संख्या को जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे जो सबसे शुरू में दे रखी होगी। इसके आगे कितने जीरो हैं, 6 0। ठीक, पीछे से संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे, आगे से नहीं लिखते हैं, पीछे से लिखेंगे। 5 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2।
चार जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 8, 1 2 7 0 5 और 1, इन सबको जोड़ो। जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 7 8, 1 2 4, उत्तर आया 4 2 1 8 7 5 1। अगर इसे सब अंकों में पढ़ेंगे तो 42 लाख, शब्दों में 42 लाख 18,751, क्योंकि इकाई ढाई वाले एक साथ, सैकड़ा अकेला, हजार 10,000 एक साथ, लाख 10 लाख एक साथ, तो 42,18,751। आप भी इस तरह से लाइन खींच खींच के जब प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ना सीख जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी इसी तरीके से, इसे भी संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम इसे जोड़ के देख देंगे कैसे। 9 के आए कितने जीरो लगाएंगे, 6 जीरो लगे, 7 जीरो लगे हैं तो 7 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद इसमें 6 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, फिर 4 जीरो हैं, फिर 3 जीरो हैं, फिर 2 जीरो हैं और फिर 1 जीरो है। 0 4 3 5 6 7 9 9, यानी कि ये आ गया 9 9 7 6 5 3 4 0, ये इसका हो गया संक्षिप्त रूप। ठीक है, अब जो अगला सवाल है, ये सवाल सॉल्व नहीं करना होता, कुछ हल नहीं करना होता, केवल इसे ध्यान रखना होता है। ठीक है, सवाल क्या है उस पर ध्यान देंगे। अंकों के आधार पर हमें संख्याएं बतानी है। मैंने एक सारणी नुमा रूप में बना दिया है इसे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसी 3 अंक की, 4 अंक की, ऐसी 9 तक मैंने संख्याएं लिखी हैं कि 9 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 1, ठीक, और सबसे बड़ी होती है 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 10 और सबसे बड़ी होती है 99। 3 अंक की सबसे छोटी होती है हमारी 100, सबसे बड़ी होती है 999, क्योंकि इसके बाद फिर 4 अंकों की शुरू हो जाती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1,000 और ये है 9,999। अब मैंने 4 अंकों तक लिख दिए, अब देखिए आप इसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न है इसमें, कि जो छोटी संख्या जब हम लिखते हैं तो 1 के आगे जितने अंकों की लिखनी होती है उससे 1 कम 0 लगाते हैं। जैसे 4 अंकों की लिखनी है तो 3 जीरो लगाई है, 3 अंकों की लिखनी है तो 2 जीरो लगाई है, 2 अंक की लिखनी है तो 1 जीरो, मतलब जितने अंक की लिखनी है उससे 1 कम 0 एक के आगे हमेशा लगा रहे हैं। और बड़ी संख्या लिखनी है तो उतनी बार ही हमें 9 लिखते हैं। जैसे 4 अंकों की लिखनी है तो 4 बार 9, 3 अंकों की लिखनी है तो 3 बार 9। एक तो ये पैटर्न नज़र आ रहा है, जिस पैटर्न से हम सारी संख्याएँ लिख सकते हैं। तो पहले ये लिख देते हैं, फिर एक पैटर्न और है फिर भी बताऊंगा मैं आपको। 5 अंकों की लिखनी है तो 1 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, 4 जीरो, और 9 पर कितनी बार आएगा, पूरे 5 ही बार। 6 अंकों की लिखनी है तो 1 के आगे कितनी जीरो, 5 जीरो, क्योंकि एक भी एक अंक में गिना जाता है, यहाँ पे 6 बार 9। 7 अंकों की है तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 8 अंकों की लिखनी है तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 अंकों की लिखनी है तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमने आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखने की ट्रिक भी बता दी है और समझा भी दिया है। फिर मैंने आपको अभी बताया था कि मैं एक पैटर्न और बताऊंगा, तो वो पैटर्न ये है कि अगर हम सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उससे अगले अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है, बाकी लिखने का तरीका मैंने बता दिया है।
जितने अंकों की लिखनी होती है, अगर बड़ी लिखनी है तो उतनी बार नौ, और अगर छोटी लिखनी है तो एक के आगे उससे एक कम जीरो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, आगे की क्लास हमारी ऐसी चलती रहेगी पूरी 5वीं क्लास के लिए, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।